ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। अरे कुछ नहीं है वहाँ, उतर नीचे। अम्मा तू तो मेरे सपनों के दुश्मन है। सपने ही है, टूट जाएंगे, आजा नीचे। नहीं आती मैं। नहीं आती? नहीं आती, गिराऊं तुझे, गिराऊं? अम्मा होके अपनी बच्ची को गिराएगी? अम्मा गिराएगी तो अम्मा संभाल भी लेगी, बड़े शहर जाकर गिरोगी तो उठाने वाला कोई नहीं होगा। आजा नीचे, आजा। नहीं आती मैं। आजा, आजा नीचे। अम्मा, अम्मा, चीनी। रेशमा का फंडा सिंपल था और सही था। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो फिर दो बार क्या सोचना। उसके पांव जहां जहां पड़ रहे थे रास्ता अपने आप बनता जा रहा था। मद्रास को उस समय नहीं पता था पर तूफान शहर में आने ही वाला था। वो क्या है ना, हिस्ट्री उठा कर देखो, दो चीजें हमेशा कॉमन रही हैं, मर्दों का जमाना रहा है और औरतों ने आफत की है। सजा मुझे मिलती है और मजा वो रेशमा लेती है। अरे उसे छोड़ डाले, जो यहाँ भड़क रहा है ना उसे शांत कर। छोड़ो। अरे सोचा साली, हमने भी बंद कर दिया है। कुत्ते साले, कोई भी काम चुपचाप नहीं कर सकते। लट्टू कंचे गिल्ली डंडा, माँ बहन की गालियां भी सिखाई, लड़कों के कपड़े पहनाता था। मेरे बाप का बस चलता ना तो वो मुझसे लड़कियां भी चिढ़वाता। तेरी अम्मा ने कभी कुछ नहीं कहा? उससे लड़के की जगह मुझे पैदा किया था इसलिए चुप ही रहती थी। अम्मा मेरी तरफ देख, जो लड़कों को चाहिए वो मेरे पास है, तो बता कौन ज्यादा, मैं या लड़का। तेरे मुंह में कभी कुछ नहीं रुकता, कुछ भी बोल देती है। तू ज्यादा छुई मुई मत बना, तू कौन सी कम है, तेरी इमारत बता रही कि यहाँ कितने मजदूरों ने काम किया है। चुप। क्या है? कल रात बहुत मजा आया ना, आज रात भी रंगीन हो सकती है। मेरी बीवी की नाइट शिफ्ट है, आ जा रात को, हैं? अभी तो सिर्फ छुआ है और लीक हो गया तेरा पेन। रात को आ गई तो क्या होगा तेरा? हरामी साली, मेरी बीवी तेरे बारे में ठीक बोलती है। तेरे बारे में भी तो ठीक बोलती है कि तुझे होली खेलने का शौक है पर तेरी पिचकारी में दम नहीं। तुम तो अपने हो, तुमसे क्या शर्माना, पर अब थोड़ा सा देख लो, असली में जब मेरे हो जाओगे तब पूरी पिक्चर देख लेना। तुम अंदर जाओ। हाँ तुम भी अंदर जाओ।
तुम आउट, तुम भी कर जाओ। दो साल से वो शराफत से अपने नंबर का इंतजार कर रही थी, पर पेट की आग सबसे पहले शराफत को खा जाती है। तुम आउट। सर। अरे अरे क्या है, जाओ हो गया सिलेक्शन। मुझे एक्टर बनना है सर। मुझे भी डायरेक्टर बनना था सर। मैं दूसरी लड़कियों की तरह डांस नहीं करना चाहती, मैं एक्टर बनूंगी सर। मैं भी कुछ हटकर फिल्में बनाना चाहता था सर। मैं एक्टर बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं डायरेक्टर बनने के लिए कुछ नहीं कर पाया। जो इन फोटोज में नहीं है वो दिखाऊं क्या? मैं अपनी फिल्म की कहानी सुनाऊं क्या? सर आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप अपनी फिल्म से निकलो ना सर। तू भी अपने सपनों से बाहर आ जा, तेरी जैसी 25 बैठी है बाहर, कल 50 हो जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला तेरा। ना तो किसी एंगल से महबूबा दिखती है ना बीबी, बहुत फीकी दिखती है तू। दो दिन से चीनी खा रही हूँ सर, नमकीन कहाँ से लगूंगी? एक मिनट ये रख ले, जाके कुछ खा लेना और फिर सोचना क्या करना है लाइफ के साथ। एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है, चल। महबूबा दिखती है ना बीबी, बहुत फीकी दिखती है। एक्टर बनना सबके बस की बात नहीं है, तेरी जैसी 25 बैठी है बाहर, कल 50 हो जाएगी। Come on girls, और एनर्जी, और एनर्जी। एक मिनट, एक मिनट। मैं फीकी नहीं हूँ। कौन हो तुम, क्या चाहिए? पहचाना नहीं, खाने के पैसे देकर ऑफिस से निकाल दिया था। ये लो तुम्हारे पैसे, मुझ में कुछ तो बात होगी जो वो 20 रुपए देने को तैयार हो गया। सुधीर, अरे कहाँ है वो लड़की, गाना कैसे खत्म करूंगा मेरा? अरे कहाँ से लाऊं ऐसी लड़की जो खुद अपना चमड़ा उधेड़ेगी? तुम्हारा ये हरकत देख के तो हर लड़की। मैं करूँ क्या? दर्द बर्दाश्त कर पाओगी? अभी तक किया है तो आगे भी कर पाऊंगी सर। Yeah!
लोग सोचते हैं जाम आधा भरा हुआ है, कुछ सोचते हैं जाम आधा खाली है, और कुछ लोग सिल्क जैसे होते हैं जो कहते हैं जाम तो है पी लो फिर सोची जाएगी। और सोचेगा कौन? वो जो झेलेगा। लड़की के अंदर कैमरा डाल रहा है क्या? हाँ? क्या शॉट है? यू हॉनी बास्टर्ड फिल्थी माइंड। शट अप! इब्राहिम के पीछे से फ्लूट बजा दिया और आगे से गाना गा रहा है तू? ए! रीदे! ए रीदे! एक दिन तुम लोगों पे शूटिंग क्या छोड़ दी? रीदे अबे! काटेंगे सर, पक्का काटेंगे सर। अगर नहीं काटा ना तो ऐसी जगह काटूंगा तू कंफ्यूज हो जाएगा कि पैंट पहनूं या घाघरा। बात है अम्मा, अप टू डेट लग रही हो? किस बुढ़े की शामत आने वाली है आज? अकबर देख, तेरी पिक्चर चल लगी आज। पहला शो देखना है या नहीं? देख देख। अम्मा, अभी तैयार होके आई हूँ। सबको मालूम होना चाहिए, हर फिल्म का एक ही हीरो होता है, डायरेक्टर। एवरी फिल्म वन हीरो। कौन? डायरेक्टर। एक्शन पे आ गई है, अब ब्रेक नहीं लगनी दूंगी। हाँ देख रहे थे ना, पिक्चर की हीरोइन है ये। हीरोइन है ये? हीरोइन है? अगर ये हीरोइन है तो क्या टिकट का पैसा वापस मिलेगा? हॉलीवुड वाले सोच रहे होंगे कि आदमी इंडिया में क्या कर रहा है। मेरी दुकान बंद कराने से पहले हॉलीवुड चला जाता तो मैं बच जाता। आपको भी सर ना इज्जत की हैबिट नहीं है। इतना फैंटास्टिक रिव्यू लिखा है नेला ने, ये देखो कितना अच्छा प्रिंट हुआ है हमारी फिल्म के बारे में।
अबे वो इंग्लिश मीडियम जो इस फिल्म की टिकट प्रिंट हुई है ना, वो बिकती तो ज्यादा अच्छा होता। सर यू वेट एंड वॉच, इस फिल्म की वजह से ना आपके हाथ में ट्रॉफी होगी, ट्रॉफी। हाँ, दूसरे हाथ में कटोरा भी आएगा। साला फिल्म में कहीं भी वो हीरो रीजन ही नहीं है। हीरो रीजन नहीं, हीरोइज्म। पता था तो डाला क्यों नहीं? सर क्या है ना कि एक आदमी 20-20 लोगों से फाइट करे, सारी लड़कियां उसको लव करें, ऐसी फिल्में आजकल नहीं चलती है। फिल्में वो होती हैं जो सोचने पे मजबूर कर दे, समझे आप? साला पब्लिक कहीं और खुजाना चाहती है, तू उन्हें दिमाग खुजाने को बोल रहा है। सर सर एक गाना इब्राहिम सर ने काट दिया था, अगर वो होता तो मजा आ जाता। कौन सा गाना? देख लो आप ही देख लो। हाँ हाँ चल दिखा। साहब तू हॉलीवुड ही जा, हम तुझे मिस कर लेंगे। जा तू हॉलीवुड जा, फिल्म की जान ही निकाल दी तूने। तू जान ये मोटी, ये गाना डालकर ना मैं छोटे सेंटर्स में फिल्म दोबारा रिलीज करूंगा, कुछ तो पैसे वापस आएंगे। अलराम क्या कर रहा तू, क्या कर रहा तू? अलराम छोड़ दे इसे, क्या किया तूने? तूने सिर्फ पॉजिटिव जलाया अब्राहम, नेगेटिव अभी भी मेरे पास है, तू देख लेना ये लड़की ऐसे ही आग लगाएगी। अबे जितने पैसे तूने फिल्म को देखने में खर्च किए हैं उतने में तो वो लड़की मिल जाती। सच कह रहे तो? सिल्वा गणेश ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म नहीं एक काली है। ऐसे ही रेस्पेक्ट की हैबिट है मुझे। ये क्रिटिक लोग जितना मेरी फिल्म को उछालेंगे उतने ही नोट मेरे बैंक में गिरेंगे। वेल डन विमल, वेल डन, बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सर। मुझे ये लड़की चाहिए। उसकी एक झलक ने जब ये हाल किया है पूरा गाना उस पे होगा तो पागल कर देगी सबको। बुलाओ उसको। लेकिन सर मुझे मालूम नहीं वो कौन है, कहाँ से आई थी। अरे तो पता लगाओ, कोई तो जानता होगा उसको। अगर काम किया है तो हवा से तो आई नहीं होगी, ढूंढो उसे। जी सर। ये लड़की मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। पैसे मतलब? 100 में एक कम है। क्यों? वो एक का ये ले लिया। नशे दिए उतारू तेरी। फिर पड़ गई। फिल्म देखी मैंने आपकी, तब से बस आपके लिए पैसा जमा कर रहा हूं।
झूठ बोलता है सर। नहीं नहीं मैं मैंने कोई फिल्म नहीं की है। अरे मैंने देखी। निकल जा यहाँ से। निकल। The middle word in life is if. अगर अगर वो बास्टर्ड सिल्वा गणेश पॉट पर दो मिनट ज्यादा बैठता 20 किलोमीटर पर आर गाड़ी धीरे चलाता तो सबकी लाइफ वैसे ही चलती रहती। पर नहीं, उसे तो खुजली थी हमारी मारने की। और क्या मारी है, ना दिखा सकते हैं ना छुपा सकते हैं। उस दिन का सूरज रेशमा को चमकाने के लिए और मुझे जलाने के लिए चढ़ा था। बेबी कुछ और मंगाओ। देवी, जिस जिस देवी मेरे साथ नाश्ता किया है ना, वो आज 5 स्टार में डिनर कर रहा है। मेरे साथ हाथ मिला लो, पूरी दुनिया तुम्हारे सामने हाथ जोड़ी खड़ी रहेगी। अरे खाओ ना, खाओ खाओ। और तुम तो बेस्ट बनोगी बीबी, मुझे दिखाई दे रहा है तुम्हारे अंदर बहुत भूख है, भूख। सिल्क, आज से तुम्हारा नाम सिल्क। आज से तेरा नाम कीड़ा दास। क्या? कीड़े तो बनाते हैं सिल्क। देवी मैं सिल्वा गणेश हूँ या कीड़ा दास, तुम्हारे लिए तो सिर्फ एक मौका हूँ और ये मौका दोबारा नहीं आता, बस किसी और के पास चला जाता है। Extraordinary shot sir, extraordinary. But one more sir, please sir. ठीक है ठीक है। Correct. Silk, what are you doing? सोचो, सूर्या सर चंदन, तुम सा, लिप्टो लिप्टो। And सूर्या सर, very good shot sir. But newcomer sir, one more shot sir, please sir. जॉर्ज, सूर्या एक टेक देता है बस। और यहां तो सर प्लीज सर, सूर्या का एक दिन इक्वल टू 1 लाख। अंडरस्टैंड? पर अगर बड़ा है तो जरूरी नहीं कि मीठा भी हो। मेरा सोलो शॉट लगाओ। ए लड़की,
क्या नाम है तेरा? रेशमा, सिल्क। नाम दो दो रखे हुए हैं, काम एक भी नहीं आता। ये प्लास्टिक का कवर देख रही हो? ये हो या ना हो, इससे सिगरेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह तुम इस फिल्म में हो या ना हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सर, अब अगर बारिश आ जाए और ये कवर ना हो तो इस सिगरेट में आग भी नहीं लगेगी। पैक अप। हीरोइन का कहना है बारिश होने वाली है भाई। तुम्हारी वजह से मैं एक बार जूता खा चुका हूं, वापस नहीं खाएगा। यू मेड सूर्या सर वेरी एंग्री। यू गो, कल से वापस नहीं आना। यहां क्या करने आई हो? ट्यूनिंग करने आई हूं सर, तभी तो बैंड बजेगी ना। बड़ी जल्दी सुर बदल गए थे। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है सर, बचपन से चाहती हूँ आपको। आप सामने देखा तो घबरा गई। ये बात तो मैं मान सकता हूँ। भगवान अगर अचानक सामने आ जाए तो भक्त तो घबरा ही जाता है। सर मुझे एक और चांस दे दो ना सर। क्यों? आप ही की बन के रहूंगी सर, आप जो कहोगे करूंगी। मैगजीन्स नहीं पढ़ती हो तुम? उन सब में लिखा होता है कि मैं 500 लड़कियों के साथ ट्यूनिंग कर चुका हूं। पर क्या आपने कभी एक ही लड़की के साथ 500 बार ट्यूनिंग की है? क्या ये सच है कि आपने 500? 501। सर सूर्या सर उसके साथ काम नहीं करेगा। नहीं करेगा यार, मैनेज करते हैं। लगता है सूर्या सर चार्ज हो गया। सूर्यकांत मर जाएगा लेकिन नई लड़की को नहीं छोड़ेगा। वापस कर दिया, बीट मिस कर दिया। बीट छोड़, जो उसने हीट पकड़ी है ना, आग लगा देगी। झिकझिक होगी, जहां का टिकट लिया वहीं जाके बैठ जाइए। टिकट प्लीज।
आशीर्वाद दो। तुम्हारा बेटा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है। सच? तुमने मेरे दिल की हर तमन्ना पूरी कर दी। काश तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते। Cut it. Very good shot, Surya sir. Excellent shot. Just like a young boy. That was very good. आप बहुत convincing लग रही हैं Asma. नायला जी, क्या बात है, आज हमारी याद कैसे आ गई? पिछले महीने की मैगजीन पिकी नहीं ज्यादा। आप जो कवर पे थे और आजकल अंडर कवर क्या चल रहा है? अरे वाह, कल तक तो ललिता आपकी हीरोइन थी, बड़े चर्चे थे दोनों के, आज आपने उसे माँ बना डाला। देखिए, जवानी टेस्ट करने के लिए होती है, वेस्ट करने के लिए नहीं। और हीरोइन की जिंदगी तो इट्स लाइक इलेक्टेड गवर्नमेंट, 5 साल तक पार्टी, उसके बाद सपोर्ट, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी सेंटर। वैसे आजकल वो नई लड़की सिल्क आपकी पार्टी को बहुत सपोर्ट कर रही है, हर किसी के ज़बान पर सिल्की है। हाँ, मैंने ही ब्रेक दी है उसे, बहुत टैलेंटेड लड़की है। देखो, ऊपर वाले ने जब नीचे इतना कुछ दिया है तो थोड़ा सा बांट लेने में क्या हर्ज है? And you know me, मैं तो चाहता हूँ कि मुझसे जितनों का भला हो उतना अच्छा। वैसे है वो जरा डाउन मार्केट, तुमने सही लिखा उसके बारे में। लिखना ही पड़ता है सूर्य साहब, आदमियों को साधु बनाने के लिए लड़कियों को शैतान बनाना ही पड़ता है। ठीक है जो, see you later. अरे मेरा इंटरव्यू? बाद में बात करते हैं, अभी जरा काम है। मैडम को फिल्टर कॉफी पिलाओ। सिल्क आई है क्या? आदमी ही आदमी थे थिएटर में, सिर्फ मुझे देखने आए थे, और जैसे ही गाना खत्म हुआ सब थिएटर छोड़ के चले गए, बहुत मजा आया। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे बारे में क्या लिखा है नायला ने। नायला कौन? सबसे बड़ी फिल्म क्रिटिक और गॉसिप क्वीन, वो जब लिखती है तो सब बड़े गौर से पढ़ते हैं। उसका कहना है कि सेल्वा ने इस फिल्म को चलाने के लिए गंदगी का सहारा लिया है। गंदगी यानी तुम? देखो मेरी कितनी साफ फोटो आई है, अब मैं रुकने वाली हूँ नहीं, मुझे और काम दिलाओ ना। लेकिन मैं तुम्हारी और मदद क्यों करूँ? क्योंकि आई लव यू, और अभी 499 बार ट्यूनिंग बाकी है। Come in. Oh, अकबर और अनारकली की दोस्ती हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अब्राहम, ये है सिल्क। हेलो सूर्या सर, मुझे आपसे अपनी अगली फिल्म के बारे में डिस्कस करना है। और ये फिल्म सिर्फ आपके ऊपर होगी, इसको चलाने के लिए कोई चालू या घटिया स्टंट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब्राहम, तुम बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो, सब जानते हैं। थैंक यू सर, ये सब इडली रसम और रम का कमाल है। लेकिन तुम्हारी फिल्में कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं होती भाई। किसी फिल्म फेस्टिवल वेस्टिवल की तो गर्मी बढ़ा सकती है वो, लेकिन थिएटर में तो कुत्ता भी मुंह नहीं मारता। Am I right? Right, sir. Spice it up, Abraham. Spice it up. Sex डालो, सिर्फ का एक गाना डालो, दो गाने डालो, whatever you like. देखो,
सक्सेसफुल फिल्म वही होती है जिसमें मसाला सही हो, राइट सेल्वा? जीनियस सर, यू आर जीनियस। इट्स अ कर्स सेल्वा, इट्स अ कर्स। सर आई एम अ डायरेक्टर नॉट अ पिंप। मैं फिल्म बनाने निकला हूँ, सेक्स बेचते नहीं। और आप लोग इस घटिया औरत के साथ काम कर सकते हो, मैं नहीं। राइट, तो सेल्वा तुम ही डायरेक्ट कर लो। ओके सर, देन बाय। मुझे इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने मेरी जगह सिर्फ कुछ नहीं, दुख इस बात का था उन्होंने ये फैसला इतनी जल्दी कर लिया। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरे माँ बाप से है, उन्हें तुझे पैदा ही नहीं करना चाहिए था। मुझे मेरे माँ बाप ने जन्म नहीं दिया, सिल्क को जन्म दिया उन लोगों ने जो मुझे चाहते हैं। तेरे चाहने वाले ना सामने के चारों में बैठते हैं, पीछे की 40 रोज मेरी है। मैं साबित कर दूंगा कि फिल्में तेरे जैसे लोगों की वजह से नहीं चलती हैं। फिल्में सिर्फ 3 चीजों की वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 और मैं एंटरटेनमेंट हूं। औरत जो है ना रेनबो की तरह होती है, जितने रंग उतने रूप। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। किसी को होती है मोहब्बत की तरह, हो गई तो जान अटक जाती है। मुझे तो चढ़ी जहर की तरह कि अब पानी भी पीता हूं ना तो आग लग जाती है। छोटा ना, छोटा ना, छोटा ना, छोटा।
हाँ ठीक है। क्या हुआ? माँ मनोरमा मैगजीन से फोन था। अच्छा। मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। पब्लिक को बताना चाहते हैं कि स्टार लोग रहते कैसे हैं। तेरे जैसा कोई भी स्टार नहीं रहता होगा, तू मना करते उन्हें। अम्मा ऐसे मौके बार बार नहीं आते, बस किसी और के पास चले जाते हैं। पर तू दिखाएगी क्या उन्हें, अपना झोपड़ा? ये हिरन मैं अफ्रीका से लाया था। सुपर सर। And this gun is an antique from Bulgaria. Sir, pet thoda andar. Dur chalo. Camera mat chhod. Niche ka baba, baad mein. Okay baba, aaye. Bacho, jao bacho. अरे आप तो जल्दी आ गए। मैं बाद में आऊं क्या? अब आ ही गए हो तो इंटरव्यू कर लो। मगर ऐसे आपने कुछ पहना तो है ना? आप कपड़े पहन कर नहाते हैं? नहीं। तो फिर कपड़े पहनकर नहाना चीटिंग है, और सिर्फ चीटिंग नहीं करती, जो है बस वही दिखाती है। ये क्या, आप सिर्फ मेरी फोटोज खींच रहे हैं, घर की नहीं खींचेंगे? जब देवी सामने स्वयं प्रकट हो तो मंदिर के दर्शन कौन करता है? बटर बनते ही अमूल का बन गया, उस गाय का नाम ही नहीं जिसने दूध दिया है। मेरी फिल्म से चढ़ी वो सिल्क, उसने शर्म के अवतार के फेंक दी, सबने मेरी तरफ देखना ही बंद कर दिया। सर ये सिल्क है ना, ये हेडलाइन बनाने में मास्टर है, लेकिन ये ठीक नहीं है सर। एक तो लड़की, ऊपर से एक्ट्रेस, और उसको ऊपर से फ्रंट पेज पर। बैड न्यूज सर, उड़ने लगेगी। उड़ने दो, पॉपकॉर्न जितना भी उड़े, गिरना तो उसे वापस कढ़ाई में। एक्सेलेंट सर, एक्सेलेंट। क्या बात है। क्या ढूंढ रहे हैं सर? ये मनोरमा वाले मेरे पास भी आए थे इंटरव्यू के लिए, छापा ही नहीं सर। तेरा ये भूत कब उतरेगा? मैं घर में भी उठा लाई इन सबको। अरे सूर्या ने देख लिया तो क्या कहेगा? उसे तो ये जानकर अच्छा लगेगा कि उसके पहले उसके फोटो से काम चला लेती थी। कहां सूर्या, कहां तू? डर लगता है, तेरे जैसे कितनी लड़कियां मरती है उस पर। और उसके जैसे कितने आदमी मरते हैं मुझ पे। डरना क्या है, पूरी दुनिया हमारी कदमों में है। उसकी एक दुनिया और भी है, वो शादीशुदा है। अगर मैं उससे पहले मिली होती तो शायद सूर्या ने मुझसे शादी की होती और उसकी बीवी की जगह मैं होती। अगर शायद उसकी जगह मैं होती, जब प्यार में ये सब बातें हो ना तो पीछे हट जाना अच्छा होता है। अम्मा मुझे पता है कि सूर्या पर मेरा कोई हक नहीं, पर क्या करूं, प्यार में ब्रेक भी तो नहीं लगता। लेकिन वो सब छोड़ अम्मा, मेरी बात सुन। यहां बैठ, कुछ सुनाई दिया क्या? ध्यान से सुन। कुछ भी तो नहीं। यही तो मजा है यहाँ, किसी की बात सुनाई नहीं देती, कोई शोर नहीं है। थोड़ी सी गर्मी लेके आ सिल्क। Come on. पब्लिक शोर मचा दे, ऐसा सीन बना दे इसको, मेक इट हॉट।
अरे ये क्या है? छोड़ो। कीरा दास टेक कर ले। क्यों सिल्क, सूर्या सर के बारे में सोच रही थी क्या? उसके बारे में क्या सोचना कीड़ा दास, जिसके साथ में कभी भी हो सकती हूँ। रत्नम्मा, मैंने डायलॉग बोले हैं फिल्म में, मेरी हालत खराब हो रही है। क्यों? लोग हंसेंगे मुझ पर, और ये कीड़ा दास भी ना, प्रेमियर रखने की क्या जरूरत थी? क्या बात है? मैं नहीं जाने वाली प्रीमियर में। लेकिन क्यों? रत्नम्मा, मैं डांसर हूँ, एक्टिंग का टिंग तक नहीं बचता मेरे अंदर। पागल मत बन। देखिए आप अंदर नहीं जा सकते हैं। अरे मैं जानता हूँ उनको, मैंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। देखिए आप नहीं जा सकते। रत्नम्मा मैं वापस फोन करती हूँ। मेरे को मिल ले। अरे आप सिल्क मैडम कैसी है मैडम? सिल्क मैडम कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। ऊपर वाला ना मेरे साथ गेम खेल रहा है, मुझे लगा 1000 तो बहुत होगा, पर आप तो बहुत अमीर लग रहे हो। 10 लाख भी काफी नहीं होंगे, पर पता है तुम मेरे लिए लकी हो। जब भी आते हो कुछ अच्छा होता है। आपने तो मुझे स्टार्ट करके छोड़ दिया। तुमने क्या 1000 में मैडम घाट के पास छोड़ के जा रहा हूँ? थैंक्स अ लॉट फॉर द किस मैडम, आप बहुत अच्छी मैडम, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि फिल्म दिल को हिट करे, कुछ लोग फिल्म बनाते हैं कि दिमाग को हिट करे। इन लोगों ने जिस बॉडी पार्ट को हिट करना था वहां ये फिल्म हिट थी। वो लोगों के दिलों में गिटार बजा रही थी और मैं सूफी गाने के एक तारे की तरह बज रहा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अच्छी लगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। व्हाट अ फिल्म, अच्छी लगी। अच्छी, इससे ज्यादा वाहियात फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। लेकिन एक चीज सुपर है इस फिल्म की, सिल्क। अब आपको समझ में आ जाएगा कि फिल्म को बनाने के लिए एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है, डांसर की नहीं। बट यू डोंट वरी, ये फिल्म चल जाएगी, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन मैं अब भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आपने मुझे ब्रेक दिया था ना। ये लो, इसके बाद गाली भी मीठी लगती है। ए कीड़ा दास, फाड़ के चला गया कुत्ता। छोड़ो उसे, उसकी तो दारू भी उसकी जितनी घटिया है। लेकिन उसकी बात अगर सच निकली तो? कीड़ा दास, हमने फिल्म उसके लिए नहीं बनाई है, हमारी तकदीर का फैसला फ्राइडे करेगा।
rung to new lows thanks to Silva Ganesh and more importantly Silk by Nayla. बात दिखाई दी, पहली बार आई हूँ यहाँ। स्टिल कैमरा के सामने भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। सर, जरा चिपक के सर। हाँ ठीक है, अंदर चलते हैं। एक्शन तो सारा अंदर ही है। रात को चिपके रहते हो। हेलो, हेलो। और सुबह छपने से डरते हो। Oh, control yourself, Silk. यहाँ सब जानते हैं मुझे. मेरी बीवी को पता चल गया तो won't be good. शाम को मिलते हैं फार्म हाउस पे. तो आप? नहीं. अभी जाके रेस खेलो. किसी अच्छे घोड़े पे पैसे लगाओ. मैंने तो तुम पे पैसे लगाए हैं. हरा मत देना. शाम को मिलते हैं. देखिए Silk. यहाँ क्या कर रही है? कैसे कैसे लोग आने लगे हैं यहाँ पर. इनकी फिल्में देखना तो दूर, पोस्टर्स तक नहीं देख सकते. अरे आप यहाँ रेस कोर्स में? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती यहाँ? मैं भी स्टार हूँ. तुम्हें क्या लगता है कि जो सूट बूट पहनते हैं और शूशा अंग्रेजी बोलते हैं बस वही आ सकते हैं? आप Silk हो ना? हाँ हूँ, क्या करेगा. फैन हूँ मैं आपका. मुझे लगा था यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता होगा. 10-20 घोड़ों और शायद कुछ गधों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो आपको नहीं जानता. थैंक यू. एक मिनट. सुनो, मुझे शर्त लगानी है कि 9 नंबर जीतेगा. कैसे लगाते हैं? Silk मैडम, ये घोड़े पे पैसा मत लगाइए. ये घोड़ा कभी नहीं जीतता. इस पे कोई पैसा लगाता ही नहीं. ये रेस किसी को पता था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को हराकर वर्ल्ड कप जीतेगी? जीती ना. कोई पैसे नहीं लगाएगा तो जीतेगा क्यों? घोड़ा है, गधा नहीं. ये लो पैसे. जीतेगा. रमाकांत सर, आखिर आपके घोड़े पे पैसा लग ही गया. मेरे लिए तो आज तक ये नहीं जीता. भगवान करे Silk के लिए जीत जाए. बजे की सुइयों की तरह चिपके रहते हो और दिन में 6 बज जाते हैं. कंट्रोल करना पड़ता है Silk. कल अगर कोई देख लेता तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन मेरा कुछ नहीं बचता. कौन सा घोड़ा खेला?
जीतने वाला। जीतने वाला घोड़ा तो मैं हूँ। खुद नहीं थी, फिर उसकी जिंदगी सीधी कैसी चल सकती थी? कितनों के दिल तोड़े, उसके दिल की बारी आज थी। गलत कहते हैं लोग कि सिर्फ दिल टूटता है, बॉडी का हर पार्ट मातम मनाता है, गला सूख जाता है और गाल गीले रहते हैं, आंखें भरी रहती हैं और दिल खाली। मुझे सिल्क की इस हार की न्यूज बहुत देर से मिली, वरना सेलिब्रेशन तो बनती थी। सुनिए, आप ठीक है ना? मैं ठीक क्यों नहीं होंगी? टैक्सी मंगवाओ। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या? आप मेरे साथ चलेंगी? तुम मेरा रेप करने वाले हो क्या? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सुनिए, एक मिनट प्लीज। डरो मत, कर लो। क्या तुम पहले आदमी नहीं हो जो ये सोच रहे हो कि गियर डालते वक्त किसी तरह हाथ लग जाए इधर उधर? मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। सूर्यकांत के यहाँ काम करते हो? भाई हूँ। सूर्यकांत रमाकांत, भाई भाई। तुमने उसकी बीवी को अंदर जाते हुए देखा? हाँ। तभी आइडिया लगा लिया होगा कि परमानेंट वाली अंदर गई तो अब मैं बाहर निकलूंगी। एक भाई बिस्तर तक ले जाता है और दूसरा मन में बिस्तर लगा रहा है। आप हमेशा उल्टा क्यों सोचती हैं? क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों की नहीं है। करते क्या हो? राइटर हूँ, लिखता हूँ। आखिरी फिल्म कौन सी थी? अभी पहली मिली नहीं। मिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे घर में सिर्फ एक ही हीरो है और वो है सूर्यकांत। आपके हिसाब से वो कौन है, हीरो या विलेन? मैंने हिसाब लगाना और रखना छोड़ दिया है। और वैसे भी
हीरो हो या विलन, हर कहानी की वैम मैं हूं। मुझे घर जाना है, ले जाओगे? हाँ। शादी के एक रात पहले उसी खिड़की से भाग आई थी। तुम अंदर नहीं जाओगी? देने वाले उससे भी ज्यादा घटिया है। लेकिन भाई साहब, आप है कौन? इब्राहिम, डायरेक्टर। बहुत दिनों बाद दिखाई दी। थोड़ी समझ आ गई है, कहां देखूं कहां नहीं। बड़ी जल्दी पर निकल आए तुम्हारे, तुम्हारी जैसी बहुत सी आई और चली गई। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ। देखो मैं ऊपर हूँ और सब नीचे। तुम्हें क्या लगता है जो नीचे है वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं? वो हंस रहे हैं तुम पे, वो सब जानते हैं तुम हम में से नहीं हो। तुम हमारी रातों का वो राज हो जिसे दिन में कोई नहीं खोलता। यू आर आवर डर्टी सीक्रेट। अरे थैंक यू तो बोलते जाओ। समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। शुरू से शुरू करूंगी तो मां बुरा मान जाएगी। आज की बात की तो आप लोग बुरा मान जाओगे। क्योंकि आज मैं रुकने वाली हूं नहीं। सबकी दाएं तरफ की आंख फड़क रही है और बाएं तरफ से दिल की मैं क्या बोलने वाली हूं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहां इस चींटी को पहाड़ पे चढ़ा दिया। कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, मेरा बदनाम होकर हुआ है। वल्गर, घटिया, सेक्सी, डर्टी, क्या क्या बोला मेरे बारे में। अपनी फिल्म को टेक ऑफ करवाने के लिए मुझे बोर्डिंग पास की तरह यूज किया। फिर भी वल्गर मैं हूं। डांस करवाया आपने, मगर न किसी ने मेरी मेहनत देखी न लगन। सब कुछ और ही देख रहे थे। और घटिया मैं,
सेक्सी हूं। फैमिली के साथ मेरी फिल्म्स देख नहीं सकते, पर छुप छुप के देखकर धड़ाके से फैमिली बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 4 बटन खोल दिए तो सबके पसीने छूट जाएंगे, पर डरो मत, मैं जा रही हूं, क्योंकि मेरे अलावा सब शरीफ है यहां। वैसे आप लोगों की शराफत का भी जवाब दें, सेक्स पर फिल्म्स बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, देखते भी हैं, दिखाते भी हैं, अवार्ड भी देते हैं, पर अपनाने से डरते हैं। ना आप बदलोगे ना मैं, आप इसी तरह अपने शराफत का चूल्हा पहने रहें और मैं कपड़े उतारती जाऊं। मैं अपने डर्टी पिक्चर्स बनाती जाऊंगी और लोगों को अपने डर्टी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। कौन हो तुम? नायला। ओ, तो वो तुम ही हो जो मेरे बारे में बुरा बुरा लिखती हो। बुरा तो तब होगा जब मैं तुम्हारे बारे में लिखना बंद कर दूंगी। मतलब? मतलब ये है कि आज जो तुम कर रही हो ना, वो बगावत है। सालों बाद लोग उसे आजादी कहेंगे। मैं समझी नहीं। बस ऐसे ही रहना, आंधी की तरह। ज्यादा सोचना मत, ज्यादा सोचोगी तो हवा हो जाओगी। मैं सिल्क हूँ, सिल्क। कोई फिल्म नहीं जो इंटरवल के बाद बदल जाओ। आखिर आज आपसे मुलाकात हो ही गई। बहुत सुना है आपके बारे में। जितना आपने सुना है, मैं उससे कुछ ज्यादा ही। वैसे तो मुझे पर्दे से ज्यादा पर्सनली अच्छी लगी। मैंने जितना सुना है, आप भी उससे कम नहीं हो। बिल्कुल पापी गया है। हरकतें भी बाप जैसी है। तुम्हें क्या पता किसी सुपरस्टार की पत्नी होना क्या होता है। फिर भी हम दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। है, बहुत फर्क है। नहीं राधिका जी, बस दिल भर का फर्क है। बस मेरे दिल के पास दिल है और आप जिस पे बैठती हैं वहां दिल है। तुम्हें कैसे पता चला? आपके चेहरे से पता चलता है कि दिल वही उसी जगह होगा। इंसान जब अकेला होता है तो आंखें कम झपकता है। उसकी आंखें उसे ढूंढती हैं जो उसे थोड़ा भी अपना लगता है। अरे ओ राइटर साहब, सिर्फ अपने भाई से ही चिपके रहोगे या हमसे भी मिलोगे? ऐसे देख रहे हो जैसे जानते ही नहीं। क्या चाहिए बोलिए ना। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। रात को? अभी क्यों नहीं? लोग क्या कहेंगे? सूर्या क्या कहेगा? यहाँ सबके सामने। ये तुम्हारे मेरे बीच की बात है। एक्चुअली सूर्या के साथ बात नहीं हुई। अब
सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। रात को मिलना यहीं पे। ये क्या कर रही हो तुम? तुम गलत डाल रही हो, ठीक से डालो ना। पकड़ क्यों रहे हो, डाले तो तुम। अरे तुम गलत डाल रही हो। नीचे ही तो डाल रही हूँ, तुम्हारी पहली बार है क्या? तुम मेरे छोड़ो, तुम सही तरीके से डालो ना। अभी तो हिले भी नहीं और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं। अब जो भी करेंगी ना धीरे धीरे करना। अब धीरे से फर्स्ट गियर में डालो, धीरे से, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से, धीरे से। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो, ऊपर देखो, धीरे से धीरे से धीरे से। हाँ ऐसे ही चलाते आगे। देखिए ना, आगे देखिए, इस पेडल को धीरे धीरे दबाना, ये एक्सेलेरेटर है, ओके? थैंक्स। जब गाड़ी खरीदी है तो ड्राइवर भी रख लेती। घोड़े की रेस जीतकर गाड़ी खरीदी है, समझ में ही नहीं आ रहा कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर रखूं या जॉकी। आप जानती हैं वो घोड़ा मेरा था। सच? फिर तो तुम मेरे लिए लकी हो। लकी तो तुम। मैं देख रहा था रेस के पहले तुमने घोड़े के कान में कुछ बोला था। क्या बोला था? मुंह लटका के खड़ा था। मैंने कहा आज तक किसी ने मेरे पैरों की तरफ नहीं देखा, ऊपर देख और छोड़ दे सबको पीछे। छोड़ दिया। तुम्हारी बातों में इतना हॉर्स पावर है ना कि आदमी के दिमाग खराब हो जाते हैं और घोड़ों का चलना शुरू। तुम बताओ तुम्हारी लगाम किसके हाथों में है? मतलब खुल के समझाऊंगी तो शर्मा जाओगे। गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है क्या कोई? नहीं। क्यों? गर्लफ्रेंड पहले पहले मलाई जैसी लगती है, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जैसा फील देती है, एंड फाइनली सीधे हार्ट अटैक। अब मैं भी देखती हूँ कि ये बाल ब्रह्मचारी कन्याकुमारी से कब तक बचता फिरता है। तुमसे मिलना भी ना कोई खतरे को पार करने से कम नहीं है। बैठो। कभी भी 440 वोल्ट का झटका लग सकता है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं छोटी सी बैटरी हूँ? मैं ट्रांसफॉर्मर हूँ, ट्रांसफॉर्मर। तुम यहाँ मेरी कोई आपत्तिजनक हालत तो नहीं करने वाली ना? क्यों, हवा निकल गई, थोड़ी सी बचा के रखो। व्हाट इज दिस? ना मेरा जन्मदिन है ना तुम्हारा, तो फिर ये केक किस लिए? अपनी पुरानी जिंदगी को फूंक मारो और नई जिंदगी को बोलो हैप्पी बर्थडे। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आर यू ओके? बड़े बड़ों ने तो अपना मुंह काला करवा के नाम कमाया है, तुम्हारा तो फिर भी सफेद किया है। यू आर क्रेजी। हेलो, हे गाइस, स्टॉप प्रेस नाउ। सिल्क के बारे में कोई नई न्यूज है क्या? अरे ऐसी न्यूज है कि सबको हिला के रख देगी। जल्दी बताओ नायला, अब क्या कर दिया सिल्क ने? मैंने अभी सोचा नहीं,
क्या नहीं सोचा? यही कि मैं सिल्क को क्या खिताब दूं, बाजारी या बिचारी, वैम्प और जस्ट अ विक्टिम। फोटो कैसी आई है? मैं काट के रख लूंगी। और हमारे बारे में जो गंदा छपा है वो? मुझे नहीं पता उन लोगों ने क्या लिखा है, मैं परवाह भी नहीं करती, ना कभी की। सिर्फ फोटो काट लेती हूँ, वो भी अगर अच्छी हुई तो। अखबार की उम्र भले ही एक दिन की हो सिल्क, उसकी खबरें अरसे तक जिंदा रहती हैं। और ये लोग तो कभी भी तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं छापते। आज लिखा है तुम द्रौपदी हो। अपने खुद के बनाए हुए रूल्स कभी नहीं तोड़ने चाहिए। परवाह नहीं करती थी जब तक परिंदे सी उड़ती थी, जरा सी परेशान हुई और पर कट गए। नायला मैम पार्टी में बिजी है और उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिल सकती और किसी को अंदर आना भी अलाउड नहीं है। तुमने बताया कि सिल्क आई है? हाँ मैम, मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा है उनसे। किस चीज की पार्टी है? मैम नायला मैम को बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है, उसकी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। थैंक यू। सबको पता चल गया मैं। हाँ सर, पर सबका मुंह तो उस तरफ है। हॉर्न बजाओ, ये भीड़ नहीं हटने वाली। मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। एक पार्टी खराब क्यों करें जब दो दो कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री में स्टार्स तो बहुत है सिल्क,
लेकिन हीरो सिर्फ तुम। मजा आ गया सिल्क। तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बचाई है ना, अब तो नायला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी। सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है। सूर्या को देखा, उनका मुंह तो मैनहोल की तरह खुल गया था। पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया। दिल भले ही लेफ्ट में होता है लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब। कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना। अभी तो दो लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो। अब और रुका तो यहां आग लग जाएगी। तो लगने दो। उलला उलला तू है मेरी फैंटेसी। बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते। टिशके आओ गोली पिस्टल से बाहर और विलन की आत्मा शरीर से बाहर और फिर फिन द एंड ऑडियंस थिएटर से बाहर। ये कैसा द एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ नहीं मेरा। अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे फिर बदन कटे खून निकले तब आएगा मजा द एंड का। तलवारें डालो क्लाइमैक्स में तलवारें। सर हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? Yes, a point. Point है। पुश्तैनी हो सकती है बाप दादा के जमाने की। लेकिन सर हीरो तो अनाथ है। Boring. Boring. हीरो अनाथ होता था 60s में 70s में। We're in 80s now. उसे एक फैमिली दो, एक बहन दो, उसे इज्जत दो और फिर लूट लो। बहन की लुटी हुई इज्जत तलवार की धार पर होनी चाहिए तब आएगा मजा क्लाइमैक्स का। क्यों विजयन? अरे सर ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस। इट्स अ कर्स विजयन, इट्स अ कर्स। क्यों रामा, क्या लगता है तुम्हें? एक वर्ड में बोलो, सुपर हिट। सर तहलका मच जाएगा तहलका। सिल्क आदमी और घोड़े में फर्क ही नहीं समझी। घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस जीत सकता है, आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है, फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है। याद है जब पहली बार मिला था, बात करने से डरता था और अब बहाने बनाने आ गए हैं। पहले याद भी करती थी तो मिलने चले आते थे और अब मिलने से पहले दो बार सोचते हो। कट इट। हंस क्यों रहे हो? ए मजाक चल रहा क्या यहाँ? मजाक तो आप कर रही हैं मैडम, ये सीन तो हम कल कर चुके हैं ना। ए सिगरेट लाओ। सिल क्या है, क्या कि चल क्या रहा है? एक टाइम था जब तुम सीन करती थी तो कट बोलने का मन नहीं करता था, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा काम में मन ही नहीं है। कैसे मन लगेगा, कुछ नया करने को है क्या? रोज रोज वही सीन, वही डायलॉग, वही कहानी। तुझे लेके एक ही किस्म की धार्मिक फिल्म बनाई जा सकती है और वो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आज ये भोपू इतना क्यों बज रहा है, वो नई लड़की शकीला को जो ले लिया है। पर वेंकट सर हर कोई सिल्क नहीं बन सकती। बनाना भी नहीं है दूसरी सिल्क, रोज नया नाटक, कभी सूर्या के नाम पे पंगा, कभी उसके भाई के नाम पे तमाशा, कभी तेरी शराब। ऐसा तो बैक अप। अब अपनी फिल्म अपनी उस शकीला को लेकर पूरी कर लेना। रुक जाओ सिल्क,
देख ऐसी गलती मत कर। जो लोग काम को लात मार के जाते हैं ना, सारी जिंदगी हाथ फैला के काम मांगते हैं, फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता। मैं सिल्क हूँ, सिल्क स्टार हूँ, भूलना मत। स्टार जब खत्म होने लगते हैं ना तो अंधेरे में खो जाते हैं, और खालीपन का अंधेरा जब खाने लगता है ना तो सबसे पहले स्टार की चमक को खा जाता है। रामाकांत को फोन दो, उनको बोलो कि सिल्क का फोन है। सॉरी मैडम, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भद्रम कन्ये वृषणयाम देवाः भद्रम पश्येमा। हेलो, रामाकांत को फोन दो। पर मैडम, उनको बोलो सिल्क का फोन है। उनको बोलो मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है। I'm very sorry madam, मैं उनको disturb नहीं कर सकता। वो रमाकांत सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक भाई लिखेगा और दूसरा भाई एक्टिंग करेगा। कमाल का दिन है आज तो। सिल्क नाचेगी। नमस्ते, नमस्ते। आप लोग टाइम पे पहुंच गए। विजन। हाँ जी सर। सिल्क इस फिल्म में काम नहीं करेगी। उसके पास जो कुछ था पब्लिक सब देख चुकी है। सर जैसा आप कहें, लेकिन सर पब्लिक को मसाला तो चाहिए होता है। हम ट्रेंड बदल देंगे। सिल्क जो करती थी वो हम हीरोइन से करवाएंगे। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर हीरोइन की इमेज का। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। सही कहा सर आपने। योरा मकान, तुम्हें क्या लगता है? सर सिल्क मैडम का फोन है। सिल्क, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी। मैं विजयन और सूर्या के साथ हूं, वो तुम्हें अपनी अगली फिल्म में नहीं लेना चाहते, और मुझे भी लगता है कि उनका डिसीजन ठीक है। तुम ये फिल्म नहीं करोगी। हाँ बिल्कुल, फिल्म के मुहूर्त वाले दिन मैं तुम्हें अपने अम्मा और अप्पा से मिलवाना चाहता हूं। हेलो सिल्क मैम, मेरा नाम मुत्थू है, मैं छोटी मोटी फिल्में बनाता हूँ। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और ये मेरा कार्ड। घर पे भिजवा दीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी। ग्रेट, वैसे ये सेट बड़ा खूबसूरत है। कंग्रेचुलेशंस। सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है। आज कोई बदमाशी मत करना, अम्मा अप्पा आते होंगे कभी भी। अम्मा की छोड़, तेरे अप्पा की उम्र क्या होगी? सिर्फ प्लीज। फिकर मत करो, तुम्हारे फैमिली के मर्दों में मैं हिट हूं। यू नो, मुझे ऐसे जोक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। रमाकांत जरा इधर आना। वन सेकेंड। सिल्क मैडम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। मेरा नाम शकीला है। तो तुम शकीला हो? आपने मेरे बारे में सुना है? पर कुछ गलत सुना है। क्यों, क्या हुआ? घर में आईना है,
जाके तोड़ दूं। झूठ कहता है कि तुम सिर्फ बन सकती हो। आप गलत हो, मुझ में भी कुछ बात है, मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूं। अच्छा तो फिर चलो। इंसान का जब वक्त अच्छा होता है तब लोगों को उसके फटे कपड़े भी स्टाइलिश लगते हैं, जब टेस्ट बदलता है तब वही लोग उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं। जाने दो उसे, तुम्हारे लायक नहीं है वो। सिल्क जैसी लड़कियां घर में नहीं सिर्फ बिस्तर में ही रहनी चाहिए। ये क्या किया सिल्क? मैंने तो कहा था सोचने मत, तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। बोल डालो जो भी चल रहा अंदर। सिर्फ एक रात खुद पर काबू नहीं रख सकती थी ना? क्या हो जाता एक रात में? तुम्हारे घर वाले सोचते कि मैं अच्छी लगती हूँ, अब क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? ये कि तुम एक गंदी और घटिया लड़की हो। हाँ तो तुमने ऐसी ही लड़की से प्यार किया है। मैं एक्टिंग पर्दे पर करती हूँ, असलियत में नहीं। मतलब तुम पूरी जिंदगी ऐसी रहोगी, गंदी घटिया? जिस वजह से मैं सिर्फ बनी वो वजह कैसे छोड़ दूं? सूर्या ठीक ही कहता था, तुम जैसी लड़कियां घर पर ले जाने के लायक ही नहीं है। हाँ लेकिन बिस्तर पे ले जाने लायक है। दोनों भाइयों के लिए तैयार हो चुका है आज। सिल्क को गंदा और घटिया बोलते हो? देखो कैसे लटकाती हूँ बारी बारी।
दिल तोड़ने पे अगर फांसी होती तो ये दुनिया कब की लटक चुकी होती। प्यार और मोहब्बत हमेशा साथ नहीं देते, ये तो दुश्मनी ही है जो दूर तक जाती है। इसलिए ना सिल्क हार मान सकती थी ना मैं। बहुत बड़ा रिस्क लेने की बात कर रही है तू, सोच ले। जब ऊपर वाले ने जिंदगी एक दी है तो दो बार क्या सोचना। सोच ले, जितना कमाया है सब गवा सकती है। जब कमाया था तब कहाँ सोचा था मिलेगा। कमाने के लिए बहुत सारी फिल्में चाहिए, गवाने के लिए एक ही काफी है। तेरी मेहनत का पैसा है इसलिए बोल रहा हूँ। तुझे बढ़ते हुए देखा है, गिरते हुए नहीं देख सकता। सिल्क को अपने कीड़ा दास पर पूरा भरोसा है। मुझे तेरा ये ट्रिपल रोल वाला आइडिया बहुत पसंद आया। एक माँ दो बेटियां। मैं भी वही सोच रही थी। जब लोग एक सिल्क को देखते थे तो जीप बाहर आ जाती थी। अब तीन तीन सिल्क को साथ में देखेंगे तो लुंगी ढीली हो जाएगी। अब्राम याद है? क्यों, क्या हुआ, मर गया क्या? नहीं, जिंदा है। वो भी ऐसी ही ट्रिपल रोल वाली एक फिल्म बना रहा है, खुद को हीरो लेकर। रमाकांत लिख रहा है। कीरा दास, पता है सिल्क सबसे महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी किस्मत में चमकना लिखा है। बनाने दो उसे भी, हम भी देख लेंगे और पब्लिक भी। नफरत करने का वक्त खत्म हो गया था, अब सिल्क को मिटाने का वक्त था। मेरा ढांसू आइडिया कॉपी करके मुझसे ही कंपटीशन बुझ लगा दूंगा। क्या सब कुछ जीला हो जाएगा। Thank you.
से पंगा लेकर खुद अपनी कब्र खोल दी। दिख जाए एक बार, डालता हूं उस पर मिट्टी। तुम बीच पर आई और समंदर लो टाइड पे आ गया। जब ये लहरें फिर से उठेंगी ना, तो सबसे पहले तुम ही डूबोगे। मैंने तो तूफान की लहरों में स्विमिंग की है, इसलिए तो आज तक सर्वाइव कर रहा हूं। लेकिन तुम तो वापस उसी रोड पे आ गए जहां से स्टार्ट किया था। तुम भी तो आ गए मेरे पास, मेरे बिना रह नहीं सकते ना, सबसे बड़े फैन हो। मैं तुम्हारी हार की खुशी मनाने आया हूं। क्यों, अपनी जीत की खुशी मनाने वाला कोई मिला नहीं? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे जीत नहीं सकती। पर लड़ने में तो मजा आया, सिर्फ बनी है मजा देने के लिए, चाहने वालों को भी और लड़ने वालों को भी। और तुम तो स्पेशल हो। ये बात तो पेपरों में भी आ चुकी है, पर एक बात तुम्हारी जबान पर अब तक नहीं आई कि तुम मुझे चाहते बहुत हो। फ्लॉप एक्ट्रेस, हीरो के स्टाइल में डायलॉग बोल के निकल गई, कपड़ों से ज्यादा मुंह खुल गया था उसका। मैं चाहता हूं उसे, मैं, अगर वो दुनिया की आखिरी लड़की होती तो मैं नसबंदी कर लेता। मुरली। आया सर। एक ग्लास कॉफी लेके आ। और सर उन दो लेडीज को बियर और टेकिला। सक्सेस के बाद एनर्जी आई जाती है मुरली, दो दो लड़कियां। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, एक कल आप लेकर आए थे और दूसरी कैमरा लेकर आकर बाहर। कैमरा वाली को बैठा और कमरे वाली का पैकअप कर दे। जा रही हूँ मैं। कल रात को मजा आया नहीं? नहीं, और तुम्हें मेरे साथ नहीं उस सिल के साथ होना चाहिए था। पूरी रात तुम मुझे छोड़कर उस घटिया औरत का नाम ले रहे थे। I'm sorry, baby. अच्छा एक बात बताओ, जब मैं उसका नाम ले रहा था तो गुस्से से ले रहा था या प्यार से? What? नहीं, प्रॉब्लम इज कि I hate her. और वो सोचती है कि मैं उसे चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि मेरी अंदर की फीलिंग्स क्या कहती है। You are mad. You are absolutely mad. Bye, I'll call you. Yeah, sure. तुम्हें तो मेरा नाम तक नहीं पता। फिर भी तुम मेरे साथ रात गुजारने को तैयार हो गई और घटिया सिर को कह रही हो। ये मेरे साथ कौन सी शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हो गई सिर्क? तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे लिए लड़ने लग गया मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो तुम्हें बहुत गालियां देती हुई गई है। ये तो बच्ची थी, पिछले हफ्ते वाली तो मेरा सर तोड़ के गई थी। तब तुम कुछ नहीं थे, अब हो। अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं रहूंगा, मैं कोई फिल्म नहीं हूं जो हर हफ्ते बदल जाऊंगा। तुमने मुझे किसी की याद दिला दी। मुझे तो लगा था कि मैं अकेला एंटीक पीस हूं। हे बाय द वे, कांग्रेट्स, तुमने सिल को हरा दिया है। I can't believe you guys. मेरी सक्सेस का कोई क्रेडिट नहीं है, सिल्क फेल हो गई उसके लिए कंग्रेस कह रहे हो। एब्राहम, तुम किसकी तरफ हो, हमारी तरफ हो या फिर सिल्क की तरफ? I hate her. और अगर आपको उसके बारे में बात करनी है ना, तो ये इंटरव्यू खत्म। मुझे नहीं पता था कि सिल्क का टॉपिक इतना सेंसिटिव है। अच्छा ये बताओ, अचानक तुम्हारी फिल्म में इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? क्या है ना कि एक दिन मैं अपनी खुद की फिल्म देखते देखते सो गया था,
उस दिन के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई कि फिल्में सिर्फ तीन चीजों की वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। कॉस्ट्यूम वालों को बोलो कि मुझे दूसरे ऑप्शंस लाके दिखाएं। सिल्क, किसी खास काम से आई हो? नशा करने आई हूँ सर। फिल्मों में काम करना मेरा सबसे बड़ा नशा है। सिल्क, तुम तो जानती हो मैं ही क्या, कोई भी तुम्हें काम नहीं देगा। हाँ, अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो बोलो। 5 रुपए हैं। 5 रुपए? शुरू में मुझसे किसी ने कहा था कि मुझे फिल्मों में कोई काम नहीं देगा, 5 रुपए देकर भगा दिया था। आप ही 5 रुपए दे दो सर, शायद वही टाइम वापस आ जाए। मैं वो डॉगी बन गया था जो सिल्क को काटने के बाद खुद पागल हो गया था। मैंने कभी किसी को इतना क्लोज फ्रेंड नहीं बनाया जितनी क्लोज वो दुश्मनी की वजह से आ गई थी। क्यों गया था मैं उसके पीछे? कंपनी चाहिए थी, दोस्त नहीं मिला तो दुश्मनी सही। ऐसे मत देखो, लगता है मैरिनेटेड मुर्गी को तंदूर देख रहा है। कम से कम अपनी कहावत में तो खुद को रिस्पेक्ट देना सीखो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? दोस्त नहीं तो दुश्मन ही सही। हाँ, तुम्हारी जो इतनी बजाई है, देखने आया था कि सिल्क पे कितनी सिलवटें पड़ी हैं। कॉफी पी लो, पैसे मैं दे दूंगा। दो सिल्क कॉफी लाना या मेरे नाम की कॉफी फेमस है, पी लो, हैंगओवर के लिए बेस्ट है। You'll burn in hell. और तुम तो उसे भी बॉनफायर समझ के हाथ सेकने आ जाओगे। दिल और दिमाग आपस में झगड़ा कर रहे थे। शायद मैं बहुत ज्यादा टाइट था कि सिल्क अच्छी लगने लगी। दिमाग ने बोला, पागल मत बन, संभल जा, हर आदमी के लिए एक औरत बनी है, उससे बच गए तो लाइफ बच जाएगी, फिर ना गए। एंगल से देखा, डिफरेंट पोजेस में देखा, उल्टा हो गया, बट सेम रिजल्ट। तो मुझे अच्छी लग नहीं सकती। जाकर चेकअप करवाओ, नहीं तो शादी के बाद बीवी भी अच्छी नहीं लगेगी। घर में शराब है? मेरे माथे पर सी लिखा है क्या कि दारू भी पिलाऊं, इंसल्ट भी करवाऊं? इंसल्ट ना करूं इसलिए चाहिए। मुझे लगता है तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती है। ये वाली सबसे बेकार है। इसका मतलब ये वाली तुम्हारे दिल पे लगी। बाथटब का कलर डल है और बबल्स थोड़े और होने चाहिए, मजा नहीं है। वापस कर दो। मैं ये रख लूँ। ये वाली?
बच्चे भी तुमसे ज्यादा कपड़े पहनते हैं। यू नो, अगर जिंदगी तुम्हें बुढ़ापे तक झेल सकी तो तुम एकदम अपनी माँ जैसी लगोगी। ये मेरी माँ नहीं, मैं नायला मेरी माँ का इंटरव्यू लेना चाहती थी, और तुम तो नायला को जानते हो, एक बार पीछे पड़ जाए तो बस। नायला को मना करना मुश्किल था और अपनी माँ बनना आसान। बालों में पाउडर लगा लिया, फीकी सी साड़ी पहन ली और दे दी इंटरव्यू। तुमने आज तक कोई सही काम किया है? माँ के पास क्यों नहीं लेके गई इसको? माँ ने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। वो लोग मेरे लिए क्या इंटरव्यू देंगे जो मुझे पैदा करके शर्मिंदा हैं? अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि औरत तुम्हारी जैसी भी हो सकती है? तारीफ में गाली दे रहे हो या गाली में तारीफ कर रहे हो? तारीफ तो तुम्हारी कर नहीं सकता हूं मैं, पर आजकल तुम्हें गाली देने का मन नहीं कर रहा है। संभल कर इब्राहिम साहब, लगता है आप मुझे पसंद करने लगे हैं। मैंने कहा था ना, तुम उन लड़कियों में से हो जो पीने के बाद अच्छी लगती हैं। आज तक तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? प्यार जो बिस्तर पर ले जाए, हाँ, प्यार जो नींद उड़ा दे, नहीं। कितने लोगों ने तुम्हें टच किया है? टच तो बहुतों ने किया है, पर छुआ किसी ने नहीं। यही होता है, लड़का लड़की मिलते हैं, पास आते हैं, किस करते हैं और कहानी खत्म। मैं तो बदनाम हूं उन सब चीजों के लिए। पर अगर ये कहानी इसी तरह खत्म हो गई ना, प्याली है इश्क कोई, सुबह की लाली है इश्क, गिरता सा झरना है इश्क कोई, उठता सा कलमा है इश्क कोई, सांसों में लिपटा है इश्क कोई, आंखों में दिखता है इश्क। मेरे दिल को तू जहां से जुदा कर दे, यूं बस तू मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिकाना, मेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, तेरे वास्ते
तेरे आग में ही जलते कोयल से हीरा बनके काबू से आगे चलते हैं तुझे बताना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क सूफियाना तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना मेरा इश्क साथ चलते चलते हाथ छूट जाएंगे ऐसी राहों में मिलो ना बातें बातें करते करते रात कट जाएगी ऐसी रातों में मिलो ना शराब उतर गई नशा उतर गया तुम फिर भी अच्छी लग रही हो सिल्क तुमने इब्राहिम को खराब कर दिया हेलो सिल्क कौन है मैं हूँ कौन बोल रहा है अरविंद सेठ कौन चाहिए कौन नहीं क्या चाहिए पूछिए पैसा वो भी पूरा कहाँ ना वापस कर दूंगी कहाँ भागी जा रही हूँ घर है ना तुम्हारे पास गिरवी सुनिए मैडम बस फिल्म साइन करते ही पैसे वापस कर दूंगी देखी थी आपकी लास्ट फिल्म और खाली थिएटर भी देखे थे अब आपको कौन फिल्म देगा अगले हफ्ते तक पैसे वापस नहीं मिले तो घर गया पता था कि सिल्क इतना टूट चुकी थी कि बिल्कुल ही बिखर जाएगी उसे खुद नहीं पता था वो क्या करने जा रही थी अरे वाह आप आ गई मैडम आइए 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 मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था आइए ना आइए आइए आपके लिए सब कुछ रेडी है सब कुछ रेडी है मतलब स्टोरी क्या है स्क्रिप्ट डायलॉग्स देखिए सेक्सी स्टोरी है सेक्सी डायलॉग्स है आइए आइए और आपके सेक्सी एक्सप्रेशन रहना चाहिए मैडम आपके सर से लेकर पैर तक सिर्फ सेक्स ही सेक्स टपकना चाहिए और कुछ नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ आप टेंशन मत लीजिए
मुझसे नहीं होगा शायद। अरे सुनिए तो बात मेरी, इनको देखकर आप घबरा रही हैं। अरे ये जूनियर आर्टिस्ट है, अरे आपकी बात अलग है भाई। ये सब रिहर्सल कर रहे हैं। आइए आइए आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ आइए, मैं आपको समझा दूँ। बैठिए, देखिए आप जैसा कहेंगी ना वैसे ही कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। एक मिनट, देखिए इस समय मेरे पास फिल्म भी है और पैसे भी आपके लिए, रख लीजिए रख लीजिए रखिए। मैडम ये दोनों चीजें आपके पास इस वक्त नहीं है, क्या सोच रही है, क्या सोच रही है, कर लीजिए मैं कहता हूं। आप एक काम कीजिए, आप एक छोटा सा ड्रिंक लीजिए, फिर रिलैक्स होके आराम से सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रिंक? जी सर। देखिए एक बार अगर आपने मुत्थू के साथ काम कर लिया ना तो ऐसे पैसों की छड़ी लगा दूंगा, अरे आपके पीछे पैसे और फिल्में दौड़ेंगी दौड़ेंगी। ये लीजिए, अरे लीजिए भाई, सोचना क्या, कम ऑन। सिल्क नहीं, रेशमा भागी थी वहां से, वो रेशमा जो अपना नाम बनाना चाहती थी, वो ये कैसे दिखा देती कि वो अपनी पहचान भी खो चुकी है। Oh,
आप हाथ मुंह धो लीजिए, अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मुथु आपको दिखा देगा। आइए मैडम। चाहिए? Come on, Silk, pick up. तुम्हारे लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेके आया हूँ, उठाना। इस वक्त सिल से बात नहीं हो पा रही है, शायद वो घर पे नहीं है। अच्छा। मुझे भी कहीं बाहर जाना है तो कल सुबह चलते हैं। हाँ ठीक है। ओके। कंग्रेट्स, व्हाट अ फिल्म, क्या काम किया है, सब लोग तारीफ कर रहे थे। मेरी शर्ट की बटन्स टूट गए, छाती प्राइड से इतनी चौड़ी हो गई थी। फिर क्या चीज थी जो मिसिंग थी, मैं तो पार्टी में था पर माइंड कहीं और। सिल्क, 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 दिमाग में उसी के नाम की घंटी बज रही थी और वो थी कि फोन ही नहीं उठा रही थी। एक्सक्यूज मी, हेलो। तुम्हारा भी अजीब है सिल्क, जब मैं तुम्हें इग्नोर करता था तुम सब जगह दिखती थी, अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारा पता ही नहीं है। हा? अपने आप पर रहम करो इब्राहिम, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ लो। एक बात सुनो, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। मुझे अपनी अगली फिल्म में ले रहे हो? उससे भी बड़ी बात है। तो आ जा। इस वक्त नहीं, मैं इस वक्त एक बोरिंग पार्टी में बोरिंग लोगों के साथ बैठा हूँ। कौन कौन है? वही पुराने पापी, सूर्यकांत, रमाकांत, विजयन, वेंकट, सलवा, गणेश, सबको मेरी तरफ से बाय बोल देना। कहाँ जा रही हो? सोने जा रही हूँ, नींद आ रही है, सुबह आ जाना। हाँ ठीक है, प्रॉमिस। He has a point. Hey, Abraham साहब, आपकी पार्टी है, आप ही को ढूंढ रहे हैं, हम कहाँ गायब हो गए थे? इतनी देर कहाँ थे? सिल्क से बात कर रहा था। जब बस खड़ी है तो क्यों भागकर उसे पकड़ रहे हो? बेकार है, उससे तो कभी बात कर सकते हो। Enjoy the party. वैसे क्या कह रही थी मैडम? आप सबको बाय कह रही थी। कहीं जा रही है? ठीक ही है रमाकांत, चले जाना चाहिए उसे, वैसे भी उसके लिए यहां बचा ही क्या है। Thank you.
सिल्क, 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 सिल्क। जिंदगी जब मायूस होती है तभी महसूस होती है। ऐसे ऐसे सवाल सामने आ जाते हैं जिनके जवाब किसी गाइड में नहीं मिलते। माँ ने दरवाजा खोलते ही गले से क्यों नहीं लगा लिया? ये बात समझ में क्यों नहीं आई कि एक स्टार को चाहने में और उसी से प्यार करने में बहुत फर्क है। जिससे तुमने अपने लिए लड़ना सिखाया वो तुम्हारे लिए क्यों नहीं लड़ा? हर कोई कमर में हाथ डालना चाहता था, किसी ने भी सिर पे हाथ क्यों नहीं रखा? लाइब्रेरी में भी पेज टर्न होने की आवाज आती है, साइलेंट जोन में भी कोई ना कोई हॉर्न बजा ही देता है, पर जब तालियां सुनने वाले कानों में गालियों की आवाज भी ना आए तो जिंदगी खाली थिएटर जैसी हो जाती है। सिल्क सही थी या गलत पता नहीं, इंसान की जिंदगी का केस बहुत लंबा चलता है, लेकिन फैसले सारे ऊपर ही होते हैं, ऊपर। सिर्फ तो ऊपर भी आफत ही मचा रही होगी।
बेचारा छेड़ेंगे हम तुझको लड़की तू है बड़ी बुम्बा।